हाय गाइस, लेट्स मेक क्रिस्पी क्रिस्पी लौकी के रोल्स एंड राइस पेपर। तो सबसे पहले ये वेजीज लिए हैं और मैंने मेंशन कर दिया है वहाँ पे जो जो वेजीज लिए हैं उनको चॉप कर दिया चॉपर में। और ये लौकी ग्रेट कर ली है, दिस इज हाफ लौकी। लौकी ग्रेट कर ली, उसका पानी निकाल लिया एंड देन उसको मतलब पानी निकाल के रखेंगे। फिर एक पैन लेंगे, उसमें मैंने डाला 1 टीस्पून घी, आप कुछ भी डाल सकते हो, वट एवर यू लाइक, बटर, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कुछ भी। उसके बाद मैंने ये जो चॉप किए थे अनियन और वो सब और लौकी पैन में डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता और ये ड्राई हो जाए, तब तक इसको फ्राई करेंगे। डोंट फॉरगेट टू ऐड सॉल्ट। सॉल्ट आप लास्ट में ऐड करना जब ये अच्छे से सूख जाएगा, अदरवाइज सॉल्ट ऐड करने से और पानी छोड़ देगा। और इसमें कुछ भी मसाले नहीं डालने हैं, जो भी मैंने डाला था अनियन में, ब्लैक पेपर, गार्लिक, जिंजर, वो सब कुछ मैंने ग्रेट करके डाल दिया था उसी टाइम चॉपर में, चॉपर में ही चॉप हो गया था। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे, इसको ठंडा होने देते हैं। सुनने में लग रहा होगा लौकी के रोल्स, बट ट्रस्ट मी ये बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसको राइस पेपर डम्पलिंग भी बोल सकते हो, मैंने थोड़ा बड़े से बनाए थे लाइक रोल्स, तो इससे आप डम्पलिंग्स भी बना सकते हो। आप इसको मैदे की रोटी बना के मोमो के लिए उसमें भी फिल कर सकते हो। फिर देन मैंने पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है और ये मैंने राइस शीट अमेज़ॉन से मंगाई थी, तो 2 राइस शीट ये मैंने एक प्लेट में पानी लिया, इसमें सोक कर देंगे। थोड़ा सा इसको 1 मिनट लगेगा सॉफ्ट होने में, उलट पुलट करके रखेंगे ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। देखिए सॉफ्ट हो गई है। तो 1 राइस शीट मैंने एक प्लेट में निकाल ली खाली प्लेट में और 1 राइस शीट उसी में रहने दी। इसको जल्दी से ठीक कर देंगे, नहीं तो इसका जो शेप है वो वैसे ही चिपक जाएगा। तो ये मैंने शीट ली है, इसमें मैं डाल दूंगी, ये फिलिंग ठंडी हो गई है। फिलिंग डाल के अब इसको कैसे भी, मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे रैप कर लीजिए। मैंने तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही बस रैप कर दिया, टेस्ट से मतलब है। आई नो प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट टेस्ट मेड वॉज रियली गुड। तो इसको ऐसे रैप कर दिया मैंने जल्दी से, बिकॉज मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी तो अच्छे से नहीं कर पाई। एक हाथ से आई वॉज मेकिंग वीडियो और एक हाथ से मैं ये बना रही थी। तो इसको आप जैसे भी शेप देना चाहे, वट एवर यू लाइक, आप इसको ऐसे शेप दे सकते हैं। आप इसको आटे के साथ भी इसके मोमोज बना सकते हैं, मैदे के साथ भी इसके मोमोज बना सकते हैं। इस फिलिंग के, फिलिंग बहुत टेस्टी थी, पता भी नहीं चल रहा था कि लौकी है। उसके बाद मैंने वही सेम पैन लिया था जिसमें मैंने मसाला बनाया था, तो थोड़ा सा मसाला जला जला सा दिख रहा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मैंने रोल्स डाल दिए पैन में, ये थोड़ा सा फट गया है यहाँ पे, तो अभी मैंने 1 शीट ली थी, नेक्स्ट टाइम मैं 2 शीट्स लेके बनाऊंगी ताकि वो फटे ना और क्रिस्पी बने। सी कितने क्रिस्पी क्रिस्पी रोल्स बन गए हैं, ट्रस्ट मी ये बहुत टेस्टी बने थे, आप एक बार ट्राई करके देखना। आई नो लौकी सुनने में थोड़ा वैसी लगता है, बट करके देखना ट्राई, इट इज़ वेरी हेल्दी एंड टेस्टी। यहाँ पे मैंने 2 शीट्स ली, मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने 2 शीट्स ली हैं। देन फिर वही मसाला, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा भर दिया क्योंकि मैंने 2 शीट्स ली थी। इनको फिर मैंने ऐसे रोल किया, इसको थोड़ा अच्छे से हो गया था ये रोल। एंड डोंट वरी अबाउट द, ये फोल्ड करने के टाइम पे ये अपने आप ही चिपक जाता है, इट इज़ वेरी स्टिकी, ये अपने आप रोल्स चिपक जाते हैं। सो अब देखो एक और बना लेते हैं। इसकी थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गई थी बट ठीक है, दैट डजेंट मैटर, टेस्ट में बहुत अच्छे थे। तो ये दोनों बन के रेडी होंगे। ये दोनों मैंने 2 शीट लेके बनाए हैं, आप देख सकते हो द डिफरेंस। ये इतने ज़्यादा ट्रांसलूसेंट नहीं है जितने ये दोनों थे, बट ये भी बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बन गए थे। तो जो 2 रेडी हो गए उनको प्लेट में निकाल लेते हैं, यम्मी बहुत टेस्टी थे, बना के देखना।
अब इनको फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल गिर गया मुझसे, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। मस्टर्ड ऑयल को अगर अच्छे से हीट कर लो तो उसका जो एक स्ट्रॉन्ग सा स्मेल होता है वो चला जाता है। इसको आप लौकी की जगह पे पनीर में भी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास आज पनीर नहीं था बट मैंने पहले पूरा पनीर में भी ट्राई किया है। पनीर और अनियन की ग्रेवी फिलिंग वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे मेरे बाकी दो भी रेडी हो गए हैं, तो इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। सो मेरे यमी से राइस पेपर रोल्स रेडी हैं और आप इसको किसी भी फिलिंग में ट्राई कर सकते हो, इसके डम्पलिंग भी बना सकते हो। आई होप यू लाइक द रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।